रायता का रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इसके लिए दही का पॉच ले लिए हैं, सुधा का 400 ग्राम वाला, और आधा 200 ग्राम के आसपास दही निकाल लिए कटोरा में। और खीरा को पील कर लिए और पील करके पतला वाला से इसको कस लिए। कसने के बाद इस तरह से नेट वाला कप रुआ हैंकी में डाल के उसका पानी निचोड़ लिए। निचोड़ के फिर यहाँ पे साइड में रख लिए। इसको करने से पहले खीरा तीता है या नहीं इसको चेक कर ले छिलने से पहले ही, उसका साइड वाला एरिया दोनों ओर से। कभी कभी खीरा एक तरफ से तीता रहता है और एक तरफ से तीता नहीं रहता है, तो उसको चेक करने के बाद ही उसको पील करके कद्दूकस करके डाले। तीता वाला नहीं लेना है इस रेसिपी के लिए, और बीज वाला भी नहीं ले, बीज वाला को साइड कर दे। इसके लिए पतला हरा वाला अच्छे ही ले, बासी भी खीरा ना ले, क्योंकि ये कद्दूकस होने में दिक्कत करता है, कद्दूकस नहीं हो पाता है। उसके बाद 1 इंच के लगभग उस अदरक ले लिए, फ्रेश अदरक, उसका छिलका हटा लिए स्क्रैच करके, और फिर उसको कद्दूकस कर लिए पतला वाला से। दही को पहले ही फेंट लिए थे, और मसाला में लिए हैं मिर्च पाउडर 3 से 4 चुटकी के आसपास 200 ग्राम में, ये है जीरा पाउडर ये 2 चुटकी के आसपास है, चाट मसाला MDH का लिए हैं 3 चुटकी के आसपास, और ये काला नमक है टेस्ट से लिए हैं, क्योंकि चाट मसाला में भी नमक रहता है। तो पहले थोड़ा सा अमाउंट यूज किए, उसके बाद जिस तरह से नमक बढ़ाना हो तो उस तब बाद में नमक यूज कर लेंगे। ये काला नमक है, एक क्रिस्टल में आता है काला नमक, वो वाला नहीं लेना है, काला नमक का पाउडर ही लेना है। और एक हरा मिर्च ले लिए हैं, क्योंकि अदरक में भी तीखा होता है और मिर्च पाउडर भी तीखा होता है, इसलिए मिर्च एक ही लिए हरा वाला। उसको पहले लंबाई में 4 टुकड़ा में काट लिए हैं, और उसके बाद फिर उसका छोटा छोटा पीस बना लिए हैं। ये मसाला रेडी है, और ये 1 चम्मच लिए हैं ये सबको मिक्स करने के लिए। रायता में मसाला दही के अमाउंट पे डालना होता है, खीरा का अमाउंट कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में ज़्यादा भड़कीला इसमें टेस्ट नहीं मसाला का रखना है, साइलेंट टेस्ट रखना होता है, तो पहले कम ही डालें, और ज़रूरत पड़े या ज़्यादा हार्ड टेस्ट पसंद करते हैं तो उस मसाला को बढ़ा लें, पहले से ही ना बढ़ाएं और कलर भी ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मसाला का मिनिमम अमाउंट ही यूज करना है। स्टार्टिंग में दही को थोड़ा सा फेटे थे, क्योंकि खीरा के साथ मिलाते मिलाते ही भी काफ़ी फेटा जाता है, तो स्टार्टिंग में उतना नहीं फेटे, इससे टाइम सेव हो गया। तो ये खीरा का रेसिपी रेडी है। इसमें जीरा पाउडर बनाते समय जीरा को रोटी वाला तवा पे पहले हाई फ्लेम पे कर लेना होता है, और फिर उसको फ्लेम लो करके उसको एक कपड़ा के पोटली से धीरे धीरे स्लो फ्लेम पे उसको थोड़ा देर उसको भुनना होता है। जीरा का कलर चेंज नहीं होना चाहिए, उसका मतलब उससे बना हुआ पाउडर काफ़ी काला हो जाता है। बस जीरा एक टेस्ट करने पे ही पता चलने लगता है कि वो भुना हुआ टेस्ट आ जाता है, तो तभी जीरा को बंद कर दे, कलर चेंज होने का वेट नहीं करे, क्योंकि बनने के बाद पाउडर बनने के बाद जीरा का कलर डार्क हो जाता है, जो दिखता है दाना का उससे ज़्यादा।
तो ये सब बात ध्यान रखें इससे। तो वो डार्क वाला कलर डालेंगे जीरा पाउडर का, तो रायता का कलर ख़राब हो जाएगा। मिर्च पाउडर भी ज़्यादा नहीं डालना है, ये दोनों पाउडर को मिनिमम ही अमाउंट में यूज करना है। और चाट मसाला में भी नमक होता है, तो चाट मसाला और काला नमक को बैलेंस अमाउंट में ही डालें। तो ये खीरा का रेसिपी रेडी है।